दोस्तों, मेहनत करके तो सबका वक्त बदलता है, पर मेरा वक्त कुछ ऐसे बदलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। आओ मैं बताता हूँ आपको अपनी कहानी। हर रोज़ की तरह मैं भी एक दिन घर पर पढ़ाई कर रहा था। हेलो। हाँ जी सागर जी, बोल रहे हैं क्या? हाँ जी बताओ जी। कल सुबह आपका सहारनपुर में इंटरव्यू है और तुम्हें 10 बजे आना है। ठीक है जी, मैं पहुँच जाऊँगा। इंटरव्यू की इस खुशी के साथ साथ मेरे पास एक वजह मेरी निराशा की भी थी। यार, मैं इंटरव्यू के लिए कैसे जाऊंगा? मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़े नहीं है। एक काम करता हूँ, उसे के पास जाता हूँ, शायद वो मेरी कुछ मदद कर दे। भाई यार, अपनी शर्ट दे, कल मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। शर्ट? अभी तो कुछ पागल है क्या? मेरी सारी शर्ट ब्रांडेड है और ऊपर से धोनी भी मुझे ही पड़ती है। मैं नहीं दे रहा, चल। इस नई सुबह भी मेरे पास मेरी वही पुरानी शर्ट थी और अब मुझे वही पहननी थी। बुरे वक्त का कहर इस तरह बरस रहा था कि जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। सोचा घर की गुल्लक से कुछ मिलेगा, पर ये क्या, इसमें तो चंद सिक्के ही थे। कैसे जाता इंटरव्यू? है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज, मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। भगवान, मेरे बनाने तो मेरी मदद नहीं की, अब आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। अरे भाई, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? अरे भाई, तुम क्या मेरी मदद करोगे, तुम तो यहाँ खुद मांगने के लिए बैठे हो। भाई मैं यहाँ मांगने के लिए नहीं बैठा, लोग पुण्य कमाने के लिए मुझे खुद ब खुद देकर जाते हैं। बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? भाई मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था, कुछ पैसे की जरूरत थी। भाई मेरे पास ये कुछ पैसे हैं, ले जाओ, वैसे मुझे नहीं कोई खास जरूरत नहीं होती। सर, वो इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी। वो सागर? हाँ सर। अरे भाई, हमें आप जैसे लोगों की तो बहुत दिन से तलाश थी, आप ऐसा करना कल ऑफिस आ जाना। मुझे इस इंसान का धन्यवाद करना चाहिए जिसकी वजह से नौकरी मिली। भाई यहाँ पे एक भिखारी बैठा था, वो कहाँ गया? भिखारी? यहाँ कोई भिखारी नहीं बैठता, और वैसे भी यहाँ अलाउ नहीं है भिखारी। भिखारी अलाउ नहीं है, तो फिर वो कौन था?